खबर राजधानी देहरादून से है, जहां इस वर्ष पूर्व में ही डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की रोकथाम और उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि जिलाधिकारियों और सीएमओ को 20-20 महत्वपूर्ण बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार लगातार डेंगू और चिकनगुनिया रोकथाम के लिए लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। एडवाइजरी को लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि इस बार वक्त रहते डेंगू और चिकनगुनिया के संबंध में एसओपी जारी की गई है और अस्पतालों को भी निर्देशित किया गया है कि पर्याप्त बेड रखें और आइसोलेशन वार्ड भी तैयार रखें। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। और ये एसओपी ना सिर्फ रिस्पेक्टिव डीएम्स को और सीएमओस को बल्कि बाकी जो नगर निगम इत्यादि हैं उनको भी हमने ये इन एसओपी से अवगत कराया है। इसमें तीन चार बातें हमें प्रमुखता से रखी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमने सोर्स रिडक्शन की बात कही है, जो एक प्रिवेंटिव मेजर है, और इस बात पे भी एम्फसाइज किया गया है कि पानी को कहीं किसी भी जगह पे एक साथ एकत्रित ना किया जाए। और जो इनमें लार्वे पनपते हैं, जहाँ स्टैग्नेंट वाटर होता है वहाँ जहाँ पे लार्वे पनपते हैं वहाँ पे सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हमने हॉस्पिटल्स को भी निर्देशित किया है कि सफिशेंट नंबर ऑफ़ बेड्स रखें और आइसोलेशन वार्ड्स भी तैयार करें। और